हम स्क्रैच के कॉग्निमेट्स एक्सटेंशन में एक ए आई बेस्ड चैटबॉट बनाएंगे इसके लिए हम कॉग्निमेट्स का टेक्स्ट बेस्ड ए आई इंजन जो है उसको यूज करेंगे और इसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको हम ट्रेन करेंगे टू रिकोगनाइज वर्ड्स जो कि हैप्पी साउंड करते हैं या सैड साउंड करते हैं जो हम चैटबॉट बनाएंगे हम उसमें स्पीच टू टेक्स्ट ब्लॉक्स भी यूज करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच ब्लॉक्स भी यूज करेंगे और जो ए आई बेस्ड टेक्सट ट्रेनिंग ब्लॉक्स हैं उनको भी यूज़ करेंगे प्रोग्राम का लॉजिक कुछ ऐसा होगा पहले हमारी मशीन यूज़र की वॉइस इनपुट के लिए वेट करेगी यानी हम इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करेंगे जो हमारा चैटबॉट है वो यूज़र से पूछेगा हाउ आर यू फीलिंग टुडे और उसके बाद जो पीछे हमने ए आई इंजन बनाया है उसको यूज़ करते हुए हमारा चैटबॉट बॉड डिटर्मिन करेगा कि जो भी वर्ड यूज़र ने बोला क्या वो हैप्पी है या वो सैड है अगर हैप्पी है तो हमारा चैटबॉट कहेगा दैट इज़ सो नाइस टू हियर कीप स्माइलिंग अगर ए आई इंजन को लगेगा कि जो यूज़र ने वर्ड बोला है वो सैड है तो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो बोलेगा दिस विल सून पास चेयर अप यहाँ पर हम जो जैसा मैंने पहले कॉग्निमेट्स के वीडियो में समझाया था कि जो ए आई या मशीन लर्निंग बेस्ड जो इंजनस होते हैं वो जब कोई कुछ चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं कोई पैटर्न को प्रिडिक्ट करते हैं यहाँ पर वो पैटर्न है कि वर्ड सैड है कि हैप्पी तो वो उस प्रिडिक्शन को एक प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं हम अपने चैटबॉट को ऐसे प्रोग्राम करेंगे कि जब प्रिडिक्शन स्कोर की प्रोबेबिलिटी मोर देन 60 परसेंट होगी तभी वो हैप्पी या सैड कहेगा अगर प्रोबेबिलिटी उसकी लेस देन 60 परसेंट होगी क्योंकि जो हमारी एआई मशीन है हम जो मर्जी इनपुट उसको देंगे उसको किसी ना किसी पैटर्न से मैप करने की कोशिश करेगा हैप्पी या सैड तो हम इसके लिए ये चेक लगा रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी 60 परसेंट से कम होगी तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हैप्पी हो कि सैड हो आ, हमारा जो चैटबॉट है वो कहेगा आई डू नॉट अंडरस्टैंड प्लीज ट्राई अनदर फ्रेज तो पहले इसको हम अपने इस चैट को यूज़ करके देखते हैं और उसके बाद इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे How are you feeling today? I'm happy. That is so nice to hear. Keep smiling. How are you feeling today? Sad. This will soon pass. Cheer up. How are you feeling today? Sick. I do not understand. Please try another phrase. ए आई बनाने के लिए सबसे पहले हम Cognimates की वेबसाइट पर जाते हैं काग्नीमेट्स डॉट एम ई यहाँ पर हम एक नया मॉडल बनाएंगे तो हम ट्रेन मॉडल्स क्लिक करते हैं और हम मॉडल बना रहे हैं टेक्स्ट बेस्ड हम इस ए आई मॉडल में बनाना क्या चाहते हैं कि हम दो कैटेगरीज होंगी एक हैप्पी कैटेगरी होगी और एक सैड कैटेगरी होगी और इन दोनों कैटेगरीज में हम हैप्पीनेस और सैडनेस से रिलेटेड वर्ड्स ऐड करेंगे अपने ए इंजन को ट्रेन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पर हमारे को कॉग्निमेट्स जो टेक्स्ट के लिए सर्विस यूज करता है यू क्लासीफाई उसमें हमें रजिस्टर करके यहाँ पर उसकी ए पी आई कीज़ डालनी है तो इसके लिए हम यहाँ पर साइन अप एंड गेट कीज़ दबाते हैं और आपको फ्री अकाउंट बनाने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी मैं यू क्लासीफाई में ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ तो मैं यहाँ पर साइन इन कर रहा हूँ तो जब आपका यू क्लासीफाई में फ्री अकाउंट बन जाएगा तो आप यहाँ जाके ए पी आई कीज़ क्लिक करेंगे और ये जो रीड और राइट कीज़ जनरेट हुई हैं इनको हम कॉपी करके वापस कॉग्निमेट्स में जाके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेंगे और फिर क्रीडेंशियल्स को सेट करेंगे तो ये कह रहा है क्रीडेंशियल्स हैव बीन सेट इसके बाद हम अपना एआई मॉडल बना रहे हैं हमारे एआई मॉडल में एक कैटेगरी है हैप्पी तो हम ये कैटेगरी ऐड करते हैं और दूसरी कैटेगरी होगी सैड हैप्पी और सैड ए मॉडल बनाने के लिए हमें मशीन को ट्रेन करने के लिए कुछ सैंपल इनपुट देने हैं तो हम हैप्पी में यहाँ पे हैप्पी से रिलेटेड कम से कम टेन वर्ड्स हमें यहाँ डालने हैं जैसे एक तो हैप्पी ही वर्ड हो सकता है फिर एक जैसे लाफिंग हो सकता है एक जैसे जॉली हो सकता है इस तरीके से और और वर्ड्स ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन सनानिम्स फॉर हैप्पी करके अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे और वर्ड्स मिलेंगे जो हैप्पी सेंटिमेंट से मिलते जुलते हैं आप इनको यहाँ पर डाल देंगे और इसी तरीके से आप वो वर्ड्स जो सैड डिपेक्ट करते हैं वो यहाँ डाल देंगे मशीन लर्निंग बेस्ड आर्टिफिशली इंटेलिजेंट मॉडल्स काम कैसे करते हैं कि हम उनको कैटेगरीज़ के डेटा देते हैं और फिर वो उन डेटा में पैटर्न रिकॉग्निशन अपने आप करके एक पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिदम जनरेट कर देते हैं तो जब आप हैप्पी और सैड में इनफ सैम्पल डेटा दे देंगे तब आपको यहाँ पर ट्रेन मॉडल दबाना होगा और फिर यहाँ से ये मॉडल आपकी एपीआई की यूज़ करते हुए यू क्लासिफाई की सर्विस को यूज़ करेगा और आपका हैप्पी सैड जो मॉडल है वो तैयार हो जाएगा मैंने कुछ वर्ड्स डाल के अपने इंजन को ट्रेन कर लिया है और अब मैं यहीं पर इसको पहले टेस्ट करके देख सकता हूँ तो अगर मैं हैप्पी वर्ड ही टेस्ट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ प्रिडिक्ट तो ए जो सिस्टम्स होते हैं वो जब पैटर्न रिकग्निशन जो भी वो कर रहे हैं इनपुट फ्रेज़ की उसकी एक प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं क्योंकि हैप्पी वर्ड तो हमारे डेटा सेट में ही था तो इसको हमारा ए आई मॉडल प्रडिक्ट कर रहा है कि 99.98% वो श्योर sure है कि ये वर्ड हैप्पी कैटेगरी को बिलोंग करता है पर अगर हम कोई और वर्ड यहाँ पर डालते हैं जैसे आई एम फीलिंग ग्रेट और फिर हम कहते हैं प्रडिक्ट तो हमारा मॉडल कह रहा है कि मोस्ट लाइकली ये फ्रेज जो है हैप्पी कैटेगरी को बिलोंग करता है और वो 66% श्योर sure है या हम कोई अगर सैड का वर्ड ट्राई करते हैं जैसे मैंने फ्रेज लिखा आई एम फीलिंग डाउन तो ये 93 परसेंट श्योरिटी के साथ कह रहा है कि आई एम फीलिंग डाउन जो फ्रेज है वो सैड कैटेगरी को बिलोंग करता है एक टेस्ट और करके देख लेते हैं आई हैड अ रियली बैड डे तो ये फ्रेज जो हमारा अभी ए मॉडल है उसको समझ में नहीं आ रहा है ठीक से इसलिए वो कह रहा है कि वो हैप्पी कैटेगरी में इसको इस फ्रेज को डाल रहा है पर वो कह रहा है कि केवल 50% परसेंट श्योर sure है ए मॉडल में एक कॉन्सेप्ट होती है रिकर्सिव लर्निंग की यानी कि जिसको हमारा ए मॉडल ठीक से नहीं प्रोडिक्ट कर पा रहा है हम इस डेटा को वापस इनपुट करके मशीन को ट्रेन कर सकते थे कि आई हैड अ रियली बैड डे जो फ्रेज़ है वो एक्चुअली सैड कैटेगरी को बिलोंग करता है तो इस तरीके से जब हमारा ए आई मॉडल उसको ठीक तरीके का आउटपुट नहीं दे रहा होता है तो हम उसको रीट्रेन कर सकते हैं पर हमारा मॉडल इस वक्त जैसा भी है हम इसको एक चैटबॉट बनाने के लिए यूज करते हैं तो इसके लिए हम फोर्थ स्टेप पे जा रहे हैं प्ले विद द मॉडल इन कोड लैब तो अब जब हम कॉग्निमेट्स के कोड लैब में आ गए हैं तो हमारे पास ये जो ब्लॉक्स हैं इसमें जो योर टेक्स्ट ब्लॉक्स है वहाँ पे ऑलरेडी जो हमने मॉडल बनाया था उसकी ए कीज़ जो हैं रीड ए राइट ए यूज़र नेम और मॉडल नेम ये ऑलरेडी आ गया है अगर आप यहाँ से जाके सीधे कॉग्नीमेट्स की साइट पे जाके सीधे कोड एंड प्ले करते और टेक्स्ट ट्रेनिंग में जाते तो यहाँ पर आपको वो जो वहाँ ब्लू ब्लॉक्स थे वो नहीं मिलेंगे पर आप फिर यहाँ पर जाके मैनुअली वो जो कीज हैं वो डाल सकते हैं इन ग्रीन ब्लॉक्स के अंदर तो अभी तो हमारे पास ऑलरेडी ये ए कीज जनरेट करके हमें ये मॉडल मिला है तो इसके इनको यूज करते हुए हम अब अपना चैटबॉट बनाना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप तो हम कह रहे हैं वेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक ये सब तो कर ही देना सेट द रीड ए पी आई की राइट ए पी आई की यूजर नेम एंड टेक्स मॉडल बाकी प्रोग्राम का ओवरऑल लॉजिक क्या है हम कह रहे हैं कि जो चैट बॉट है वो पूछेगा आर यू और इसको हम टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर देंगे फिर यूज़र की कोई इनपुट आएगी इन रिस्पॉन्स टू आर यू और जो भी यूज़र की रिस्पॉन्स है उसको हम स्पीच रिकोगशन करेंगे तो स्पीच टू टेक्स्ट करके हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे से उस वेरिएबल का नाम हम रख देंगे स्पीच उसके बाद हम अपना जो हमने ये ए मॉडल बनाया था हैप्पी और सैड इसको यूज़ करेंगे और ये जो भी यूज़र की रिस्पॉन्स है जो स्पीच वेरिएबल में स्टोर करी गई है इसको हम स्पीच वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर्ड है इसको हम अपने ए आई मॉडल से चेक करके देखेंगे कि क्या वो वो हैप्पी सेंटिमेंट है कि क्या वो सैड सेंटिमेंट है उसके बाद हम प्रोग्राम कर देंगे कि अगर वो हैप्पी है तो जो हमारा कंप्यूटर है वो रिस्पोंड करेगा टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ करते हुए दैट्स ग्रेट कीप स्माइलिंग या अगर वो एआई मॉडल उसको डिटेक्ट करता है कि वो सैड है सेंटिमेंट तो वो फिर से टेक्स्ट टू स्पीच करते हुए कुछ बोल देगा जैसे इट विल सून पास अप तो इस लॉजिक को हम कोड करते हैं